हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 सोलर एनर्जी में है, कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर। कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीपीसी, क्या है। सीपीसी कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर बेसिकली नॉन फोकसिंग टाइप कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर है। ये कलेक्टर होते क्या है, बेसिकली कलेक्टर का मतलब क्या है, उसका क्यों यूज़ किया जाता है। कलेक्टर का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि जब हम लोगों को हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन चाहिए, जब हम लोगों को एक ही जगह पर हाई टेम्परेचर अचीव करना है, उस समय हम लोग अलग अलग टाइप के कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर का यूज़ करते हैं। बेसिकली दो टाइप के कलेक्टर्स होते हैं, फोकसिंग टाइप एंड नॉन फोकसिंग टाइप। उसमें से एक हमारे पास में नॉन फोकसिंग टाइप में कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर। कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर नॉन फोकसिंग टाइप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अरेंज किया जाता है। ये कलेक्टर हमारा इस तरह से है कि इसको डेली बेसिस पर आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। हम लोगों को सीपीसी का अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ सीजनल, मतलब कि विंटर सीजन है तो अलग, समर सीजन है तो अलग, इस तरह से एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सीजन के दौरान करना पड़ता है। अदरवाइज देर इज़ नो रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द सीपीसी ड्यूरिंग द होल डे। मतलब कि सनराइज से लेकर के सनसेट में, जब जैसे जैसे सन अपनी पोजीशन चेंज करते जा रहा है, वो हर एक घंटे पर या हर दो घंटे पर या तीन घंटे पर, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सीपीसी को सेट करें। सीपीसी को आप एक ही बार लगा करके छोड़ सकते हो, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो सीपीसी समझने से पहले हम उसकी फिगर को समझते हैं। आप फिगर को देख सकते हो, सीपीसी हमारा कुछ इस तरह से होता है। सीपीसी के अंदर हम लोगों के पास दो पैराबोलिक मिरर सेगमेंट्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हो, मिरर ए और मिरर बी, जिसका नाम दिया होगा पैराबोला ए एंड पैराबोला बी। पैराबोला ए मतलब कि हमारा पैराबोलिक मिरर है, पैराबोला बी मतलब कि हमारा पैराबोलिक मिरर बी है। ये दोनों मिरर हम लोग ऊपर की तरफ आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट कवर लिखा होगा। ट्रांसपेरेंट कवर मतलब कि बड़ा डायमीटर, दैट इज़ कैपिटल डी, वहाँ से अटैच होगा। और इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी कि जैसे जैसे हम पैराबोलिक मिरर को नीचे की तरफ लाएंगे, इसका डायमीटर डिक्रीज होगा, जो अटैच होगा आपके फ्लैट ऑब्जर्वर के साथ, जिसका डायमीटर होगा स्मॉल डी, एज यू कैन सी इन फिगर। सो देर इज़ अ रेशियो फॉर द पैराबोलिक सेगमेंट, डी डिवाइडेड बाई डी। अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ये पैराबोलिक शेप देने का मतलब है एक्सेप्टेंस एंगल। आप बीच में देख सकते हो, आप लोगों को एक्सेप्टेंस एंगल करके एक वर्ड दिख रहा होगा। एक्सेप्टेंस एंगल का मतलब ये होता है कि जब सोलर रेडिएशन हमारे इस कलेक्टर के अंदर ट्रांसपेरेंट कवर के थ्रू आएगा, तो पैराबोला ए रिफ्लेक्टर और पैराबोला बी रिफ्लेक्टर के पास में ये आमने सामने की तरफ टकराते हुए जाएगा। मतलब कि हमारे जो रेडिएशन होंगे वो कंटिन्यूसली अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, और इसका रीज़न है हमारा एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल आप देख सकते हो कि पैराबोला ए से आप लोगों का एक्सेप्टेंस एंगल जा रहा है पैराबोला बी के बॉटम एंड की तरफ, जहां पर लिखा होगा फोकस ऑफ पैराबोला ए, और सेम मैनर में पैराबोला बी के लिए लिखा होगा फोकस ऑफ पैराबोला बी। ये दो बड़े रेशियो की वजह से हम लोगों को एक्सेप्टेंस एंगल बड़ा मिलता है, और एक्सेप्टेंस एंगल बड़ा मिलने की वजह से सोलर रेडिएशन का हम मैक्सिमम अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, हमारा सीपीसी नॉन फोकसिंग टाइप है, इसका मतलब ये हुआ कि सोलर रेडिएशन को हमको किसी भी एक जगह पर, पर्टिकुलर एक ही जगह पर हम लोगों को उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। हमारा सोलर रेडिएशन हमारे सीपीसी के अंदर कंटिन्यूसली घूमते रहेगा। इसकी वजह से जो हीट जनरेट हो रही है, वो हीट आपके एब्जॉर्बर के थ्रू, नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा फ्लूइड ट्यूब के अंदर हीट ट्रांसफ़र करेगा। फ्लूइड ट्यूब के अंदर जो भी है लिक्विड, मतलब के पानी, अगर गर्म पानी करना है तो गर्म पानी के अंदर वो हीट ट्रांसफ़र होगी। एज यू कैन सी, सीपीसी है, मैंने पहले ही बोला कि इसको हम लोगों को कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ एडजस्टमेंट की रिक्वायर होती है तो सीजनल टाइम में, समर सीज़न है तो अलग, विंटर सीजन है तो अलग। डेली बेसिस पर आवर या पर टू आवर थ्री आवर सीपीसी को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सबसे बड़ा एडवांटेज है सीपीसी का कि यहाँ पर सोलर रेडिएशन को ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न सिर्फ एक, हाई एक्सेप्टेंस एंगल। हाई एक्सेप्टेंस एंगल जो कि होता है 2 थीटा,
जो भी थीटा बन रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मतलब कि 30 डिग्री अगर है तो वो हो जाएगा 60 डिग्री के एक्सेप्टेंस पर, कि 60 डिग्री के रेशियो में हम सोलर रेडिएशन को हमारे सीपीसी के अंदर कलेक्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।